इंदिरा रसोई में पत्नी की पुण्यतिथि पर निशुल्क करवाया भोजन। सर्व सेवा संस्थान इंदिरा रसोई पर भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीपक चौधरी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती डिंपल चौधरी की तृतीय पुण्यतिथि पर आसपास के क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया गया। नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू ने बताया, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाकर हर युवा वर्ग को पहन का हिस्सा बनकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाकर ही पुण्य कमाना चाहिए। नव भारत समाचार आसिंद से सावरमल शर्मा की रिपोर्ट। आज उनकी पत्नी कुमार चौधरी है। आज मेरी धर्मपत्नी का तृतीय पुण्यतिथि है, जिनका नाम श्रीमती डिंपल चौधरी है। उनकी तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से इंदिरा रसोई में 100 दिनों के खाने का निःशुल्क मेरी तरफ से रखा गया है। मेरा इसका उद्देश्य ये है कि जरूरतमंद लोगों तक ये लाभ पहुँचे और अधिक से अधिक इसमें लोग जुड़े और आगे भी लोग इस तरह के आयोजन इंदिरा रसोई के माध्यम से करें ताकि जरूरतमंद लोगों को फायदा मिले। मैं नगर पालिका आसिफ के अंतर्गत इंदिरा रसोई प्रभारी प्रवीण कुमार शर्मा ये निवेदन कर रहा हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई का जो मेन उद्देश्य है कि कोई भूखा ना सोए, उसी के संदर्भ में हम उस कार्य को बढ़ाते हुए माननीय कलेक्टर महोदय जी, आशीष जी महोदय जी के द्वारा प्राप्त हुए VC में निर्देश दिए गए कि आम जनता को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ नगर पालिका के समस्त नगरवासियों से कि आपके परिवार में किसी के भी जन्मदिन या किसी के उपलक्ष में आप किसी प्रकार का इस तरह के आयोजन आप भी कर सकते हैं। और इस तरह के आयोजन में अभी विगत पहल जिसकी पहल करी थी माननीय हमारे पत्रकार महोदय जी टिकम जी सोनी, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शुरुआत करी अपने पिताजी के जन्मदिन से। इसके बाद एक रमेश जी बड़ोला साहब ने अपनी पुत्री का जन्मदिन मनाया था कर्तव्या का। और इसी तरह आज डिंपल जी चौधरी जी की तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज दिनांक